हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी मुसल्लम की रेसिपी। और ये बहुत ही मसालेदार सब्ज़ी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल होती है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में जो बेल आइकन आता है उसको भी ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी को बहुत अच्छे से बॉईल करने रख दिया था, और यहाँ आप देख सकते हैं पानी बॉईल होने लगा है। अब मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ मैंने ये दो फूलगोभी ली हैं, बहुत ही क्यूट सी दो छोटी छोटी फूलगोभी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और इन फूलगोभी को अब हमें बहुत ही अच्छे से पका लेना है, मतलब कि हमको ये पूरी तरीके से नहीं पकाना है, इसे हमें 80% तक कुक करना है। ये थोड़ी सी कच्ची भी रहनी चाहिए, लेकिन पक भी जानी चाहिए, तो उसी अकॉर्डिंग हमें इसे पकाना है। और यहाँ पे ये फूलगोभी अच्छे से पक चुकी है, मतलब कि ये 80% तक कुक हो चुकी है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल के साइड में रख लूँगी। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में तेल को अच्छे से गरम कर लिया है, तो आप चाहें तो इसको घी या बटर में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया है, ये मैंने 1/4 टीस्पून ऐड करा है। उसके बाद एक चम्मच यहाँ मैंने जीरा ऐड कर दिया है, एक तेज़पत्ता इसमें ऐड करा है, और दो सूखी साबुत लाल मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इनको हम थोड़ा सा चटका लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च भी ऐड कर दी है। तो एक मैंने बहुत ही बड़ा सा प्याज लिया था, जिसको मैंने बारीक काट के इसमें ऐड करा है, और दो मैंने हरी मिर्च ली थी, उसको भी मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे। जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे से हम इसे सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और हरी मिर्च अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ मैंने लहसुन अदरक को कद्दूकस करके ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको 2 मिनट के लिए और पका लूँगी। फिर मैंने इसमें हींग ऐड कर दी है, ये मैंने 1/4 टीस्पून ऐड कर दिया है। इनको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो ये मैंने 3 छोटे टमाटर लिए थे, जिसको मैंने पेस्ट बना के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको भी हम 1 मिनट के लिए पका लेंगे। 1 मिनट मैंने टमाटर के पेस्ट को अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे ये 10 काजू का मैंने पेस्ट बना के वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करा है, 1 बड़ा चम्मच यहाँ मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है, और 1/2 चम्मच इसमें गरम मसाला पाउडर गया है, और 1/4 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का मैंने पाउडर ऐड करा है। और इसमें मैंने हरी मिर्च ऑलरेडी डाली थी, इसलिए मैंने लाल मिर्च थोड़ी कम रखी है, स्पाइसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है, नमक आप स्वाद अनुसार ऐड करें। और इनको अब मैं अच्छे से पका लूँगी, जब तक कि इसमें से ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होने लगेगा, तब तक हम इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे। अब यहाँ पे ये मैंने मलाई ऐड कर दी है, जो घर में दूध आता है उसी में से मैंने ये मलाई निकाल के, ये 2 चम्मच मैंने मलाई ली थी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दिया है, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से पक सके, और बिना जले वो पके, और इसमें से जो ऑयल है वो भी अच्छे से रिलीज़ हो सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल अच्छे से रिलीज़ होने लगा है। उसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी 1 चम्मच ऐड कर दी है, और यहाँ पे ये 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करी है। चीनी से बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा, टेंशन मत लीजिए, सब्ज़ी बिल्कुल भी मीठी नहीं होगी, और चीनी ज़रूर आप ऐड करिएगा, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी हैं। उसके बाद यहाँ मैंने ये दोनों जो फूल गोभी मैंने अच्छे से बॉईल करी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको अब मैं अच्छे से मसाले में कोट कर लूँगी।
और इस टाइम पे अगर आपको मसाला बहुत ज़्यादा थिक लग रहा है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं। तो अभी मुझे मसाला थोड़ा सा थिक लग रहा था इसलिए मैंने इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और यहाँ मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ती भी ऐड कर दी है। तो ये लीजिए, हमारी गोभी मसल्लम की सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है। और ये सब्ज़ी आप कोई भी इवेंट में या फिर स्पेशल गेस्ट आए या आपको स्पेशल सब्ज़ी बनानी है तो आप ये सब्ज़ी ज़रूर बनाइएगा, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।